उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग खास करने जैन लोग ये नहीं मानते कि ऊपर भगवान बैठा है, वो सारी दुनिया चला रहा है, ये हमारी मान्यता नहीं है। भगवान महावीर ने 12-12.5 साल तक तपस्या करके मक्खन निकाला है जिंदगी के तत्व ज्ञान का, और उन्होंने बताया है ये काल चक्र लगातार घूमता है। काल चक्र लगातार घूमता है, कैसे घूमता है? घड़ी के कांटे जैसा, घड़ी का कांटा 12 तक जाता है, 12 से नीचे 6 तक आता है, 6 से वापिस ऊपर जाता है। इस तरह से काल चक्र लगातार अनादि अनंत काल से घूम रहा है। उसके अंदर 6 से 12 तक कांटा का जाना यानी उत्सर्ग पे निकाल, और 12 से 6 तक कांटे का आना ये अवसर पे निकाल। काल के दो भाग, एक उत्सर्ग पे निकाल और एक अवसर पे निकाल। तो उत्सर्ग पे निकाल के अंदर क्या होता है कि शुरुआत में हम लोग ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं उत्सर्ग पे निकाल में, और अवसर पे निकाल में नीचे 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 उतरते जाते हैं। 12 से 6 तक उतरना यानी अवसर पे निकाल, और 6 से 12 तक चढ़ना ये उत्सर्ग पे निकाल। इस तरह से हम लोग काल मानते हैं भगवानों, और पहले और ये सारा काल चक्र उत्सर्ग पीढ़ी अवसर पीढ़ी मिल करके 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का ये काल चक्र होता है। ये उत्सर्ग पीढ़ी में 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम और उस अवसर पीढ़ी में 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, करोड़ को करोड़ से गुणाकार करो, उसकी जितनी संख्या आती है उससे ज़्यादा ये काल चक्र अपने अपने समय में ठहरता है। जैसे पहले उत्सर्ग पीढ़ी काल होता है तो हम क्या करते हैं, सुखम सुखा, उसका क्या नाम होता है, सुखम सुखा, उत्सर्ग पीढ़ी का काल, नीचे से ऊपर जाने वाला काल, तो उसमें ऊपर से नीचे आने का काल, उसको क्या होता है, पहले सुखम आ रहा होता है, सुखम सुखा मतलब उस समय ना तो खेती बाड़ी थी और ना आदमी कुछ काम करता था, वहाँ पर 10 प्रकार के कल्पवृक्ष थे और वो चाहे जैसी चीज़ आपको हाजिर कर देते थे। आप पेड़ के नीचे बैठे और आपने कहा भोजन चाहिए, तुरंत भोजन की थाली नज़र आ जाती थी। इस तरह से कपड़े लत्ते सब कुछ 10 कल्पवृक्ष थे, वो सारी आदमी की इच्छा पूरी करते थे। उसका काल कितना था, 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, उत्सर्ग पीढ़ी काल का काल 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का काल था। उसके वो 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम पूरे हो जाने के बाद धीरे धीरे कल्पवृक्ष फल कम देना चालू हो जाता है, फिर सारी बातों में कम होने लगता है। पहले हमारे यहाँ हमारी धरती मिश्री जैसी थी, हमारे धरती का स्वाद कैसा था, मिश्री जैसा था, और आगे चलकर वो क्या हो गया, दूसरे कालचक्र में आ गए हम। पहला हो गया सुखम सुखा, दूसरा होता है सुखम, खाली सुखम, सुखम सुखा नहीं, अतिशय सुख नहीं, खाली सुखी है, सारे सबको हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, सब प्रकार से आनंद में हो रहे हैं, इस तरह से सुखम आ रहा होता है। इसके पहले अपेक्षा से दूसरे कालचक्र में अनंत गुणा, वर्ण गंध रस और स्पर्श, इनकी कमी होती गई और हम सुखम आरे में आ गए। वो सुखम सुखा आरा चला गया, उसके बाद 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का सुखम आरा आया। उसके बाद तीसरे आरे में क्या हो गया, दुख का प्रवेश होने लग गया। पहले और दूसरे आरे में दुख नाम की वस्तु ही नहीं थी, और तीसरे आरे में क्या हो गया, दुख का प्रवेश होने लग गया। फिर भी वे लोग क्या करते थे, अपने ढंग से काफ़ी अच्छे रहते थे, और वहाँ खाली अपराध करो तो 3 ही दंड थे, हकार मकार और धिक्कार,
धिक्कार के दिया तो बहुत बड़ा फांसी, फांसी की सजा हो गई। हकार हा हा ऐसा किया तो बहुत बड़ी सजा हो गई। मकार मत करो मत करो ऐसा कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई। इस तरह का काल था। अब तो चाहे जैसी गालियाँ चाहे जैसी मारा कोटी ये सब होता था, उस समय ऐसा होता नहीं था। तीसरा आ रहा था हमारा, वो कैसा था, सुखम दुखम, थोड़ा सा दुख का प्रवेश हो गया था। और वो उसका काल जो प्रमाण 2 कोड़ी सागरोपम का था, एक काल चक्र 10 कोड़ी सागरोपम का होता है। उसके बाद चौथा आरा आया। चौथा आरा आने के बाद 23 तीर्थंकर वहाँ हुए। चौथे आरे में 23 आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के 23 तीर्थंकर कब हुए? तीसरे आरे में पहले तीर्थंकर, तीसरे आर्य के अंत में पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ। और उसके बाद तीसरे आर्य में, चौथे आर्य में सारे तीर्थंकर हमारे होके गए। ऐसा काल था, ऐसा धर्म ध्यान था, ऐसे तीर्थंकर विराजमान थे, ऐसी सारी बातें चौथे आर्य में होती। फिर चौथे आर्य का अंत होने लग गया तब हमारे यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञानी कैसे होते हैं इसका अनुभव उस समय के लोगों को आया। इस तरह से भगवानों 21,000 साल कम थे, 2 कोड़ापोड़ी सागरोपम को 21,000 वर्ष कम थे तब भगवान महावीर का जन्म हुआ। और वहाँ सारे धर्म की बातें लिख चौथे आर्य से चौथे आर्य से धर्म के नियम चालू हो गए। पहले लोग पाप ही नहीं करते थे, धर्म का सवाल ही नहीं पैदा होता था। इस तरह से सारे तीन तो गालियाँ थी, हकार मकार और धिक्कार, तीन ही गालियाँ थी, बाकी गालियाँ ही नहीं थी, कोई सजा ही नहीं थी। इस तरह का समय था। भगवान महावीर के आने के बाद नीति नियम चालू हो गए। ऐसा धर्म करो वैसा धर्म करो, ऐसी समय करो ऐसा पोषण करो। आज देखो सोमोत्सरी का दिन है और पोषण करने का दिन है। एक दिन थानक में सोने का दिन होता है, वो पोषण का दिन होता है। अपने घर में तो अपन रिलैक्स होकर के सोते हैं, पर एक दिन ऐसा भी चाहिए जहाँ हम जगह बदल करके सो के बताए, एक तरफ से तपश्चर्या करें और दूसरी तरफ से अपनी जगह बदल करके सोए। इस तरह से आज का दिन पौषध करने का दिन है। सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा पौषध आज करना है भगवानों। इस तरह से हमारे ये दुखम सुखम, थोड़ा सा दुख का प्रवेश हो गया और सुख ज़्यादा था, ऐसा हमारा चौथा आरा गया। चौथे आरे जाने के बाद पांचवा आरा आया। पांचवे आरे में दुखम, पांचवे आरे में भी क्या हो गया, वर्ण गंध रस और स्पर्श ये कम 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 होने लग गए। और धीरे धीरे क्या हो गया, हमारी मिट्टी का स्वाद भी बदल गया। पहले मिट्टी कैसी थी, मिश्री जैसी थी, उसके बाद शक्कर जैसी हो गई, उसके बाद गुड़ जैसी हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी क्वालिटी, हाई क्वालिटी थी वो क्वालिटी में कम आने लग गया। फिर ऐसा कम आ गया, अभी अभी हमारे ज़माने में मिट्टी कैसी है, बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छी है, अच्छी बढ़िया नहीं है। पर छठे आरे में तो मिट्टी में कोई राम ही नहीं रहेगा, मिट्टी कोई फल ही नहीं उगाएगी, मिट्टी में कोई अनाज ही नहीं उगाएगा, ऐसी हल्की मिट्टी होने वाली है। तो इस तरह से हमारा दुख मारा 21,000 वर्ष का दुख मारा। आइए अभी हम कहाँ जी रहे हैं, पंचमारे में जी रही है। पाँचवा घड़ी का काटा 5 तक आ गया है, 5 पर घड़ी का काटा आया, चक्र हमारा घूमता हम पाँचवें आरे में पैदा हुए हैं। और हमारे यहाँ की मिट्टी सामान्य मिट्टी है, विशेष मिट्टी नहीं है। पहले इतने बड़े बड़े दाने आते थे अनाज के, अब छोटे छोटे आने लग गए। और बड़े आते हैं तो हाइब्रिड आते हैं, उसमें कोई टेस्ट होता नहीं है भगवानों। इस तरह से
होगा क्या? इस 21,000 साल का ये पांचवा आरा अपना कितना है? 21,000 वर्ष का है, जिसमें भगवान के 2,500 वर्ष पूरे हुए हमारे, और बाकी का समय अब तक बाकी है। हम देखते हैं ह्रास ही ह्रास होता जा रहा है, उतरते उतरते जा रहे हैं। हमारे पहले तो सहन पे इतना सा जायफल घस के चटा दिया तो तबीयत ठीक हो जाती थी। आजकल तो हॉस्पिटल में जाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कितनी झंझट बढ़ गई है। अब हमको दुख मालूम नहीं पड़ता, पर पहले की अपेक्षा से हम काफ़ी दुखी हो गए हैं। दुखम आरा हमारा नाम है, और आगे आएगा दुखम दुखा आरा, छठा आरा आएगा। 21,000 वर्ष का दुखम दुखा आरा हमारे दुनिया में आने वाला है। उस समय 6 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 6 साल की। गंगा और सिंधु दो नदियाँ बहती रहेगी, और वहाँ से छठे आरे के बाद बरसात तो आना बंद ही कर देगी। छठे आरे में बरसात, देखो पुणे जैसे सिटी में बरसात कहाँ है, इतनी सी भुरभुर आती है और वापस बरसात बंद हो जाती है। अभी तो और अच्छा है, आगे और ज़्यादा 21,000 तक हम उतरते ही उतरते जाने वाले हैं। कुदरत हमको व्यवस्थित सहयोग नहीं देगी, और धीरे धीरे सारी बातें, तबीयत देखो तैसी होगी, तबीयत ठीक नहीं रहना, दवा खाना करना, दवाई लेना, यही हमारा काम है। ये पांचवा आ रहा है, और छठे आरे में कहते हैं ऐसा प्रलय आएगा, ऐसा प्रलय आएगा कि सारे घर बह जाएंगे, सारे घर बह जाएंगे, सारे लोग बह जाएंगे, गंगा और सिंधु दो नदियाँ मात्र रहने वाली है। गंगा और सिंधु नदियाँ रहेगी, उस समय वे लोग क्या करेंगे, घर तो रहे नहीं, और घर बांधने वाले अब कहाँ लाए, इतनी बरसात हो गई, इतना प्रलय हो गया, इतना बह के चला गया सारा सामान, अब रहना कहाँ। तो लोगों क्या करेंगे, बिलों में रहेंगे, बिल बनाएंगे, कहाँ, पहाड़ में, पहाड़ में बिल बनाएंगे, और बिल के अंदर रहना आदमी चालू कर देगा। 6 साल की लड़की तो माँ बन जाएगी, 6 साल की लड़की, और आदमी की हाइट कितनी रहेगी, इतनी, एक हाथ जितनी हाइट आदमी की रहेगी। धीरे धीरे हाइट कम 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 होती जाएगी, और इस तरह से हम बिल में रहने लगेंगे। इसलिए हम व्याख्या बनना करते तो बोलते हैं, मारा छठा आरा जन्म मरण निवार जो, मेरे छठे आरे में मुझे जन्म देना नहीं। छठे आरे में जो जन्म लेता है उसको बिल में रहना पड़ता है, बिल में रहता है। इतनी गर्मी होती है दिन भर में, बरसात एकदम आना बंद ही कर देती है, बरसात आना बंद कर देती है, और इतनी गर्मी होती है कि दिन में कोई बाहर निकल सकता नहीं। शाम का समय जब होता है, थोड़ा दिन बचता है, थोड़ी रात उतरती है, ऐसे समय में लोग बाहर निकल गए, और कहाँ आएंगे, नदी के पास आएंगे। नदी के पास आकर के नदी में जो जीव जंतु है उनको अपने तरफ से लेने का प्रयत्न करेंगे। वे जीव जंतु लेना, अग्नि नहीं, चूल्हा नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं रहेगा छठे आरे में। और वो जीव कहाँ तपाना, रेती में बूर के आना। और शाम के समय जाने के बाद पहला कल का बुरा हुआ आज खाना, और आज वापस बूर के आना, और फिर वो खाना। इस तरह से भगवानों, पहले आरे में तो 3 दिन में एक बार भूख लगती थी, दूसरे आरे में 2 दिन में एक बार भूख लगती थी, तीसरे आरे में दिन में एक बार भूख लगती थी, और आगे चलकर पांचवे आरे तक हम आए तो 2 बार हमारा खाना पक्का हो गया है। उसके बाद मुंह में कुछ डालते बात अलग है। तो धीरे धीरे छठा आरा जब आता है तो भूख शांति नहीं होती। कितना ही खाया तो ऐसा लगता खाया ही नहीं कुछ। और खाना क्या, जीव जंतु खाना, नदी में जाना, खसोट खसोट करके लड़ाई झगड़े करके वो जीव इकट्ठे करना, और इकट्ठे करने के बाद रेती के नीचे बूर देना, और बूरने के बाद उनको 24 घंटे में वे क्या हो जाते थे, नरम पड़ जाते थे। फिर वो लोग छठे आरे में जो जन्म लेते हैं वो लोग ऐसा आहार करते हैं,
भगवानों भगवानों इस तरह से उतरते उतरते हम कहाँ तक आ गए, जीव जंतु खाने तक हमारी मंजिल आ गई भगवानों। इस तरह से छठे आर्य में जो जन्म लेता है अवश्य नरक में जाता है, उसको दूसरी गति मिलती नहीं है, धर्म ध्यान होता नहीं है, शास्त्र वाचन होता नहीं है, कुछ वहाँ होता नहीं है। इस तरह से भगवानों करते करते हमारा काल चक्र ये पूरा हुआ, 21,000 साल तक छठे आर्य का जन्म मरण जीव ने देखा, उसके बाद वापस अब चढ़ना चालू हो गया। चढ़ना चालू हो गया तो इधर पहले दुखम दुखा था, उतरते उतरते दुखम दुखा तक आ गए, सुखम सुखा से लेकर दुखम दुखा तक आ गए, और दुखम दुखा के बाद 21,000 वर्ष का काल दुखम दुखा का जाता है। 21,000 पांचवे आर्य के छठा आरा, पांचवे उत्सर्ग पीढ़ी काल के छठा आरा और अवसर पीढ़ी काल का पहला आरा, दोनों 21,000 वर्ष के होते हैं, और 21,000 वर्ष तक पानी का बूंद भी नहीं गिरता, पानी बूरना पानी गिरना बंद ही हो जाता है। 42,000 वर्ष तक इस धरती पर कोई बरसात होती नहीं है, और धीरे धीरे क्या होता है, 42,000 वर्ष तक हमारा ऐसा ही समय बीतता है, और उसके बाद वो हमारे यहाँ निसर्ग प्रसन्न होता है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पहली बार आसमान में बादल घूमड़ के आते हैं। अब हम कहा चले, ऊपर ऊपर जाना चालू कर दिया, नीचे से ऊपर जाना, तो दूसरा आ उत्सर्ग पीढ़ी का दूसरा आरा होता है, उसके अंदर बरसात आने लगती। उत्सर्ग पीढ़ी का दूसरा आरा मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हम, तो वहाँ क्या होता है, एकदम से उमड़ घुमड़ के बादल आते हैं। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती है, 7 दिन तक लगातार वर्षा होती है, वो वर्षा का नाम होता है पुष्कल आवर्त, मतलब बार बार उमड़ घुमड़ के बरसात आती है, उसको पुष्कलावर्त कहा है। उसके बाद 7 दिन तक गैप रहती है, और फिर क्षीरदाम की दूध जैसी वर्षा होती है, जिससे मिट्टी एकदम थर्ड क्लास मिट्टी थी, जो थोड़ी बहुत 7 दिन दूध की वर्षा, दूध जैसी वर्षा होने के कारण से 7 दिन 7 रात तक वर्षा होती है, क्षीरदाम की वर्षा होती है। फिर 7 दिन का गैप जाता है, और फिर घृत नाम की वर्षा होती है, घृत जैसा चिकनापन मिट्टी में आने लगता है, और उसको घृत नाम की वर्षा कहते हैं। और चौथी वर्षा होती है अमृत वर्षा, अमृत जैसी इतनी सुंदर वर्षा होती है, और धीरे धीरे धरती के अंदर अंकुर दिखने लगते हैं। पहली बार लोगों ने अंकुर देखा कब, उत्सर्ग पीढ़ी काल के दूसरे आर्य में पहली बार हमने अंकुर देखा। ओहो, ऐसी हरियाली मिट्टी में से निकलती है, ओहो बहुत बड़ी बात। इस तरह से 4 वर्षा हुई और 3 गैप हुई, तो कितने सप्ताह हो गए, एक एक सप्ताह तक एक एक वर्षा होती रही, ऐसी 4 वर्षा हुई, और एक एक सप्ताह तक गैप रहा, वो 3 गैप रहे, तो 7 साथी 49 हो गए। 49 होने के बाद तब तक तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी इतनी ज़्यादा चलती थी कि पूछो मत, और जब हरियाली लोगों ने देखी पहली बार, तो एकदम वहाँ के जो बड़े लोग थे उन्होंने सबको बुलाया, संकल्प किया, देखो हम पर कुदरत मेहरबान हुई है, हमारे दादा परदादा सारे बिना कुदरत की मेहरबानी के ही जन्मे और मर के चले गए, हमको ये हरियाली देखने को मिली है। आज भूख सहन कहेगा, भूख सहन करने का भी एक समय होता है, आज भूख सहन करना है और लड़ाई झगड़ा बंद करना है, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा किया है उसे माफ़ी मांग लेना है, उससे मित्रता करना है, उससे दुश्मनी हमेशा के लिए टाल देना है। इस तरह से आज का दिन संवत्सरी का दिन ये कैसा है, हरियाली कुदरत के दर्शन होने का दिन है,
और कुदरत का दर्शन, हरियाली का दर्शन हुआ, लोग प्रसन्न हुए और ये प्रसन्नता हमारी कायम रहे, इसके लिए आज के दिन उपवास किया हमारे बड़ों ने। आज के दिन हर प्रकार से तपस्या की, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, जिससे लड़ाई झगड़ा किया था उनसे भी क्या कर ली, माफी मांग ली। इस तरह से आज का दिन हमारा संवत्सरी का दिन है। काल चक्र में घूमते घूमते हम कहाँ पहुँच गए, पांचवे आरे में पहुँच गए, मतलब उत्सर्पिणी का दूसरा आरा। उत्सर्पिणी का दूसरे आरे में हम पहुँच गए, बेर भुलाने का दिन है। जिससे अबोला होगा उससे बोलने का दिन है। आज के दिन जिसके प्रति मन में विपरीत भावना होगी उसको सरल करके खुद होकर के खमाने को जाना, और भैया मैं तुझे खमाता हूँ, तू भी मुझे क्षमा कर दे, पीछे की बातों को हम भूल जाएंगे। तब काल ऐसा था, द्रव्य क्षेत्र काल भोर अलग था, इस कारण से हम लड़ाई झगड़ा करते थे। अब काल सुधर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, आपस में प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। संवत्सरी पर्व कहता है क्षमा करो और भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ, पीछे की बातों को भूल जाओ और वर्तमान में क्षमा करो और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ, ये कहने के लिए संवत्सरी पर्व आता है। भगवानों हमारे यहाँ लोगों ने कितनी कितनी क्षमा कैसी कैसी करी है, कहने जैसी बात है। हमारे भगवान महावीर के समय राजा उदयन होके गए, भगवान महावीर के समय कौन हुए, राजा उदयन हुए, और राजा उदयन ऐसे थे धर्म ध्यान करने वाले, प्रतिक्रमण करने वाले, पोषण करने वाले, उपवास करने वाले, भगवान की पूरी आज्ञा का पालन करने वाले उदयन राजा थे। उनकी पत्नी थी प्रभावती भी इतनी धार्मिक थी, उसके पास एक ऐसी सुंदर प्रतिमा थी, उसकी वो पूजा करती थी और वहाँ ध्यान करने के लिए बैठती थी। ऐसे हमारे उदयन राजा थे। उदयन राजा के यहाँ पे एक कुबड़ी दासी थी, उसकी पीठ एकदम मुड़ी हुई थी और ठिंगनी थी, सावली थी, और उसको सेवा दी थी, जो मेहमान आए उनका ध्यान रखना, उनका नाश्ता पानी सब तुम करवाना। तो वो बड़े लगन से सबकी सेवा करती और नाश्ता पानी लोगों को करवाती। इस तरह से एक बार एक मेहमान उनके घर आए, वो शक्तिशाली मेहमान थे, और उन्होंने देखा कि बिचारी कुबड़ी है, कितना काम करती है, कितनी सेवा करती है, कितनी दौड़ भाग करती है। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक गुटिका थी, एक गोली थी, वो गोली उन्होंने क्या कर दी, उसको दे दी, तो उसका नाम था ब्लैक, काली गुटिका नाम था, वो काली थी ना, इसके लिए उसको जो मेहमान ने अपनी तरफ से गुटी दी, वो गुटिका उसने खाई और उसका सारा रंग रूप बदल गया, इतनी सुंदर हो गई, हाइट उसकी बढ़ गई, पीठ का कोना कहीं चला गया और देखते देखते वो चमकने लग गई और जवान सुंदर स्त्री हो गई। अब हमारे उदयन राजा तो एकदम धार्मिक, दूसरी स्त्री की तरफ देखना ही उनको पाप लगता था, और ऐसे वे ये इतनी सुंदर हो गई, इसको लगता था मेरी सुंदरता की कीमत करने वाला कोई होना चाहिए। पर किसके बाप की ताकत थी जो उदयन राजा के सामने आकर के उनकी दासी से कोई प्रेम करे, कोई किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि वो दासी को बतलाए, दासी के साथ बोले। बहुत सुंदर थी, उसका नाम सूरन, पहले था काली गुलिका नाम था, अब उसका नाम क्या रख दिया, स्वर्ण गुलिका नाम रख दिया। इतनी सुंदर तो वो थी और उसके जवानी की कीमत करने वाला कोई नहीं वा, कोई उसके पास देखना भी डर लगता था राजा का, कि राजा इतने चारित्रशील है और इसके सामने देखेंगे तो हमारी तो गर्दन ही काट देंगे बोले राजा। इसके लिए कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, इसको लगता था मुझे कोई देखे, मेरा कोई कौतुक करे, मेरी कीमत कोई करे, ऐसा उसको लगता था। तो राजा के ही भगवान, राजा के दूसरे जवाई थे, ये भी जवाई था, उदयन राजा भी राजा का श्रेणिक राजा का जवाई था, और दूसरा भी क्या नाम था उसका,
चंद्र प्रद्योत नाम का उज्जैनी का राजा था। उज्जैनी का राजा था पर वो सौंदर्य के पीछे मौत मरने वाला था। सौंदर्य उसको बहुत अच्छा लगता था, लड़कियों की वो चापलूसी करता था, लड़कियों के पीछे पागल होता था, ऐसा वो चंद्र भगवान महावीर का शिष्य कौन श्रेणिक राजा, और श्रेणिक राजा का ये दूसरा जवाई था। दोनों जवाई उदयन राजा भी जवाई और हाँ चेतक राजा के जवाई थे, भगवान महावीर के मामा के जवाई थे। चेतक राजा भगवान महावीर के मामा थे और उनके ये जवाई थे। इस तरह से अब चंद्र प्रद्योत को ये बात कान में आई थी कि उदयन के यहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री निर्माण हुई है। वो काली कलूटी थी पर उसको ऐसी दवा मिली को एकदम सुंदर हो गई है। उनके मन में आता था ऐसी अप्सरा के दर्शन तो मुझे करना ही चाहिए, ऐसी अप्सरा मुझे मिलनी चाहिए, ऐसी भावना उसके मन में आ रही थी। तो उधर क्या हो गया, इसने क्या किया, आने जाने वाले मेहमानों के साथ चंड प्रद्योग के पास समाचार पहुँचा दिए, यहाँ आओ और मुझे लेके जाओ। क्या समाचार आए, यहाँ आओ, ये वीतभय पट्टन था, उदयन राजा का वीतभय पट्टन था और चंद्र प्रद्योत की उज्जैनी नगरी अवंती राज्य था उनका। तो वहाँ से समाचार आए, ये तो इसके मन में थी भावना, एक अंधा मांगे एक आँख और भगवान दे दो। उधर से समाचार आ गए, तुरंत उसने क्या किया, अपने पास उनके पास एक बढ़िया हाथी था, अनलगिरी नाम का हाथी था, हाथी के ऊपर बैठ करके ये तो वीतभय पट्टन चला गया। आधी रात को गया, आधी रात को चुपचाप दासी को क्या कर दिया, हाथी के ऊपर पीछे बैठा दिया और वह जो सुंदर प्रतिमा थी प्रभावती, प्रभावती का स्वर्गवास हो गया था। शांति रखो, शांति, किडनैप सब व्याख्यान दे रहे हैं, जरा भी किडनैप होते तो क्यों लोग तब भी किडनैप कर देते। हाँ, तो उसने क्या कर लिया, किडनैप कर लिया ना किसका, स्वर्णगुलिका का, स्वर्णगुलिका का किडनैप कर दिया। और सवेरे दौड़ता हुआ दास आया, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, अपने यहाँ तो अपनी दासी को लेकर के वो आया था उज्जैनी का राजा चंड प्रद्योत, उसने अपनी दासी भी लेके गया है और साथ में हमारे महासती जी की इतनी सुंदर मूर्ति थी तो वो मूर्ति भी लेके चला गया है। अब उदयन ने ये बात सुनी कि इतनी हिम्मत मेरे साढ़ू में, इतनी हिम्मत कि मेरी दासी यहाँ के बिना पूछे ले जाए, चोर की तरह ले जाए, हमारी दासी का किडनैप करे, हम भी ये अन्याय सहन नहीं करेंगे, इसका जवाब देंगे, हमको युद्ध बिल्कुल प्रिय नहीं है, युद्ध की हिंसा हमको प्रिय नहीं है, पर फिर भी हम अन्याय का उत्तर देने ही वाले हैं। और उसने अपने सेनापति को कहा अपनी सेना तैयार करो। उधर चंड प्रद्योत को समाचार भेजा कि हमारी दासी, हमारी मूर्ति वापस दो और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब वो इसने तो चंड प्रद्योत ने ली हुई चीज़ देना पसंद ही नहीं था, इसको कभी सिखा ही नहीं था कि जो चीज़ अपनी हो गई उसको देना ये उसको पसंद नहीं था। और उसने कहा ठीक है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उधर से युद्ध के तैयार हो गए, इधर से इन्होंने चतुरंगिणी सेना सजाई और कहा चले गए वीत उज्जैनी की तरफ जाने लग गए। रास्ते में कड़ी धूप थी और बरसात आने के ही दिन थे, उसके पहले की गर्मी इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी। रास्ते में ऐसा सूखा एरिया आया कि जहाँ झाड़ नहीं, जहाँ पत्ता नहीं, कुछ नहीं, और पानी का तो बूंद वहाँ मिलता नहीं था। ऐसी स्थिति हो गई, लोग पानी के मारे तरसने लग गए, कैसे करें, एक दिन निकाला बिना पानी का, दो दिन निकाला, तीन दिन पानी के लिए निकल गए और पानी कहीं उनको मिला नहीं। पानी का आभास होता था, रेती के ऊपर धूप तरती थी तो ऐसा लगता था यह पानी है, देखने जाओ तो हाथ में रेती आती थी। अब हमारे वीतभय पट्टन के राजा उदयन ने क्या किया, स्वर्ग में गई हुई रानी का स्मरण किया, महारानी जी पधारो, हमारा संकट दूर करो, इतनी सारी सेना तड़प तड़प कर पानी के लिए मर जाएगी, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। और कहते हैं देवता वहाँ पे आए, उन्होंने क्या किया, वह सुंदर
पानी का झरना चालू कर दिया। पानी का झरना शुरू हो गया, पुष्कर नाम का पानी, पुष्कर पुष्कर तीर्थ आज भी है, पुष्कर तला उन्होंने चालू किया और आज भी पुष्कर वो कायम है। पुष्कर में से ऐसा ठंडा और मीठा पानी आने लग गया, सब ने अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से आगे निकले। आगे निकले तो पहुँचे कहा उज्जैनी में, घेरा डाल दिया उन्होंने, घेरा डाल दिया, ये तो हमारी दासी वापिस दो, हमारी प्रतिमा वापिस दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो। चंड प्रद्युत समाचार दिए, युद्ध के लिए हम तैयार है। तो दोनों ने सोचा हम भगवान महावीर के भगत हैं, इतने लोगों को, निष्पाप लोगों को मारना हमारा काम नहीं है, हम क्या करेंगे, द्वंद्व युद्ध करेंगे, आपस में युद्ध करेंगे, आप भी अपना रथ लेके आ जाओ, हम भी अपना रथ लेके आ जाते हैं और युद्ध कैसे करेंगे, रथ में बैठ करके युद्ध करेंगे और लोगों को बीच में नहीं लेंगे। इस तरह से चारों तरफ सेना ही सेना, इधर से इनकी सेना, उधर से उनकी सेना, इतनी लोगों की भीड़ वहाँ पे, और ऐसे में हमारे राजा उदयन रथ पे बैठ करके आगे लड़ने के लिए। इधर बेचारा चंड प्रद्योत एक तो पहले ही कमज़ोर था मन का, इतना उसके मन में स्त्री की आसक्ति थी, उस कारण से उसके पास कॉन्फिडेंस भी कम था, और उसने देखा कि मैं भी अगर रथ पे जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, अपना अलगिरी हाथी, हाथी लाया और कहा कि कायर, अपना तय हुआ था ना कि रथ में बैठ कर के युद्ध करना है, आपने हाथी क्यों लाया, अब हाथी लाए है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हाथी पे भी युद्ध करने के लिए तैयार है। इस तरह से उन्होंने कहा और दोनों के बीच में युद्ध चालू हो गया। पहले मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध में कोई किसी से हारा नहीं, कोई किसी से जीता नहीं, और फिर उन्होंने शर बाण चलाना चालू कर दिया और बाणों के साथ युद्ध होने लग गया। बाणों के साथ युद्ध होते होते उदयन राजा ने क्या किया, हाथी के पैरों पर बाण मारना चालू कर दिया। चारों पैरों पे ऐसे बाण उन्होंने बींध डाले कि देखते देखते हाथी खड़ा ही रह नहीं सका, वहीं पे वही वो लुढ़क गया और लुढ़ करके उसकी मौत वहाँ पे हो गई। और बेचारा चंड प्रद्योत भागना चाहता था पर भागे कहाँ से, हाथी नीचे गिर गया और वे वहाँ अकेले हो गए। तब तक तो उदयन राजा की सेना ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, अब हम तुमको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, बंदी बनाएंगे, ऐसा पिंजरा लाए थे साथ में। उनको पता था अपने विजय होने वाली है और अपन उसको हराने वाले हैं, एक पिंजरा लाए थे, पिंजरे के अंदर उसको क्या कर दिया, सेवकों ने बंद कर दिया। किसको, चंड प्रद्योत को, जो लड़कियों के पीछे पागल था वो चंड प्रद्योत पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया और वहाँ से निकले, कहा वित भय पट्टन की तरफ जाने के लिए निकले। तो वहाँ रास्ते में चौमासे के दिन आ गए, चौमासे के दिन आ गए तो आज चौमासी पक्की है, प्रतिक्रमण करना होगा, आज चौमासा है, आज संवत्सरी है, आज पर्युषण है। रोज का उदयन राजा को खूब याद रहता था, प्रभावती ने उसको इतना ज़्यादा धर्म में लगाया हुआ था कि धीरे धीरे वो धर्म करने लग गया था, धार्मिक तो था ही वो, और ज़्यादा मर्यादा पालने लग गया। संवत्सरी का दिन आ गया, संवत्सरी का दिन, कल संवत्सरी है ऐसा उनको पता चला। तो राजा उदयन ने कहा भैया कल तो संवत्सरी है, हमको तो उपवास रहेगा, पर हमारे साढ़ू जी जो पिंजरे में बंद है उनको पूछ लेना, उनको जो कहे वो बना के दे देना। सभी लोगों ने उपवास किए थे और महाराज पूछने को गया आपके लिए क्या रसोई बनाए, बोले क्यों आपके राजा आहार नहीं करेंगे क्या, बोले नहीं उनका तो संवत्सरी पर्व है, जो उपवास करने वाले हैं, आपको जो भाई वो मैं बना के दूंगा। उसने देखा इसमें भी कोई चाल दिखती है, शायद मेरे भजन में कहीं जहर डाल देंगे, मुझे मार डालेंगे, इसकी अपेक्षा नहीं, खाना ही अच्छा है। उसने कहा तुम्हारे राजा को उपवास है तो मुझे भी उपवास है, मैं भी उपवास करूँगा, मुझे भी कुछ भी खाना नहीं है। और इस तरह से संवत्सरी पूरी हुई, प्रतिक्रमण शाम का पूरा हुआ,
और सवेरे उदयन राजा खमत खावाना का दिन होता है, विरोधी के पहले खमाना चाहिए, इसके लिए वो कहाँ पहुँचे, उदयन राजा के पास पहुँचे और कहा चंड प्रद्योग के पास उदयन पहुँचे और खमत खामना किया उन्होंने, मेरे मन में कोई तुम्हारे प्रति विरोध नहीं था, पर तुमने हमारी दासी चुराई, किडनैप किया, इसके लिए हमको उत्तर देना पड़ा, वरना हम तुमसे बैर नहीं रखते, हमारा तुमसे कोई बैर नहीं है, इस तरह से कहकर वो खमत खामना कर रहे थे। उदयन राजा ने चंड प्रद्युम्न देखा, अच्छा अवसर है, बोले इसको खमत खामना कहते हैं क्या, बोले अपने दोस्त को तो जे पिंजरे में बंद रखा है और ऊपर से खमत खामना करते हो, ऐसी खमत खामना हमको पसंद नहीं है, अगर सच्चा खमाना है तो मुझे पिंजरे के बाहर निकालो, मुझे पिंजरे के बाहर निकालो और मुझे मुक्त करो। और इस तरह से कहने के बाद आज संवत्सरी हमने मनाई है, कल उपवास किया है, प्रतिक्रमण किया है, निच्छा में दुकर्म दिया है, तो हम भी आज सच्ची खमत खामना करेंगे। सेव को कहा उसका उसका ताला खोल दो, उसके बाहर निकालो। और यहाँ उसके लिखा हुआ था दासी पति, क्या लिखा हुआ था, दासी का पति होना यानी बहुत नीची बात हो गई ना, दासी पति यहाँ लिखा हुआ था। तो राजा ने कहा, उदय ने कहा, इसके दासी पति के ऊपर सोने का पट्टा लगा लो, सोने का पट्टा आजू बाजू में लगा लो, सच्ची खमत खामना करी और उनको कहा कि इनको तो उज्जैनी में छोड़ के आ जाओ, अपने को वितभय पट्टन में इनको नहीं ले जाना है। ऐसी खमत खामना, इतना युद्ध किया था, इतनी मेहनत की थी, इतना पानी का प्रॉब्लम आया था, फिर भी उन्होंने अपना धर्म छोड़ा नहीं और समय आने पर विरोधी को क्या कर दिया, खमत खामना कर दिया, उनसे दोस्ती कर ली और सारा बेर भुला दिया। भगवानों, हमारे यहाँ पर ऐसे खमत खामावना के कई प्रसंग आते हैं, जहाँ बहादुर के साथ खमाना पड़ता है, ऐसा वैसा खमाना नहीं होता, हम बोलते नहीं हैं, हमारे बच्चे उनके साथ बात नहीं करते हैं, उनका हमारा कोई व्यवहार नहीं है, और ऐसे घर में जा कर के खमत खामना करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे भगवान का संदेश है विश्व मैत्री दिन मनाओ। आज का दिन कौन सा है, विश्व मैत्री का दिन है। आज के दिन को हम क्या करेंगे, सभी के साथ मित्रता स्थापन करेंगे, सारा वेर भुला देंगे। इस तरह से लोगों ने वेर भुलाया, खमत खामना करी, इधर दो साढ़ू आपस में गले मिले और कहा कि दासी के कारण हमने बेर लिया था, पर हमारा आपस में कोई बेर नहीं है, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम हमको माफ़ कर दो, इस तरह से माफ़ी मांगी और सच्ची संवत्सरी उन्होंने मनाई। भगवानों, ऐसी संवत्सरियाँ हमारे यहाँ देश में कई प्रकार के लोगों ने मनाई है और अपने विरोधों को नष्ट किया है, हमें भी आज संवत्सरी का दिन मनाना है और आज के दिन अपने विरोधी को क्या करना है, खमाना है। एक आप खुद होकर के खमाने जाओगे तो एक उपवास का फायदा आपको होगा और आपका निश्चित रूप से आगे चलकर प्रोग्रेस होने वाली है, इसके लिए खमाना बहुत जरूरी होता है। शुद्ध चित्त तरी शुद्ध चित्त तरी शत्रु मित्र होती जरी, शत्रु मित्र होती धरी, शुद्ध चित्त तरी शत्रु मित्र होती व्याघ्र ही न खाती सर्पतया, जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसको वाघ भी लायन भी खा सकता नहीं है। तुम्हारे अंतकरण में शुद्ध भावना है तो सामने वाले के मन में भी काटने की भावना नहीं होती है, अपने आप वो भी शांत हो जाता है। हमारे लोणीकन के अंदर एक 90 साल के वृद्ध आए थे और वो कहते थे मैं जंगल में रहता हूँ, जंगल में ही रहता हूँ, जंगल में ही सोता हूँ और जंगल में ही खाता पीता हूँ। तो एक बार बोले मुझे बहुत पक्की नींद लगी हुई थी और वहाँ एक सर्प वो वाघ आ गया, क्या लायन सिंह आ गया, सिंह आ गया बोले, तो मुझे बास आई नींद में कि कोई अलग बास आ रही है, तो मैंने आँख खोली देखा तो पड़ोस में सिंह खड़ा था। सच्ची बनी हुई लोणीकन की बात आपको कह रही हूँ।
तो इस तरह से सिंह खड़ा था, उसको लगा सिंह खड़ा है, मुझ पे हमला नहीं किया है, मेरे मन में सबके प्रति प्रेम है, तो कोई मेरे साथ दुश्मनी क्यों लेगा, तो इसका प्रेम तो मेरे पास है, पर इसको कोई प्रॉब्लम है। उसने देखा उसके चार पैर थे, एक पैर ऐसा अधर रखा हुआ था, अधर रखा हुआ पैर उसने नीचे मुड़ के देखा तो पैर के अंदर इतना बड़ा कांटा गया हुआ था। वो जानवर कांटा कैसे निकाले खुद का, तो इसके लिए वो वहाँ आके खड़ा हो गया और बताता था कि मेरा कांटा निकाल दो। तो वो वृद्ध जो हमारे पास आए थे उन्होंने क्या किया, नीचे झुक करके उसका कांटा खींच के निकाल दिया। एक सेकंड में वो चला गया, वहाँ रुका नहीं, उसने कोई शिकार किया नहीं, उसको कोई तकलीफ दी नहीं, वहाँ से निकल गया। शुद्ध चित्त तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र ही न खाती सर्प तया, ऐसे शुद्ध चित्त हमारा करने का दिन आज का आया है। भगवानों संवत्सरी पर्व हमारे प्रांगण में पहुंचा है और संवत्सरी के दिन आज हम किसी से विरोध नहीं रखेंगे, सबसे प्रेम रखेंगे और सबसे अपनी मैत्री स्थापित करेंगे, ऐसा दिन आज का आया है। देरानी जेठानी हो, भाई भाई हो, अड़ोस पड़ोस के लोग हो, समाज के लोग हो, हमारे बेटे बेटी के ससुराल पक्ष के लोग हो, किसी के कारण से कोई भी हमारे द्वारा विरोध हुआ हो तो आज के दिन वो नष्ट करने का दिन आया है। आप ही सब अपने अंतकरण को शुद्ध बनाएंगे और अब सच्ची खमत खामना करके संवत्सरी को सार्थक करेंगे। इस तरह की भावना रखते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।